Today, we'll discuss the remaining part of lesson number 10, A Mad Attack of an Orchestra. Remaining part discuss करने से पहले हम last time जो lecture हुआ था lecture number 3 उसको थोड़ा revise करेंगे उसके बाद आज वाला lecture lecture number 4 इसमें हम इंशाल्लाह translation को complete करेंगे उसकी completion की तरफ move करेंगे. First of all हम सब से revise कर लेते हैं lecture number 3. Students lecture number 3 में हमने ये पढ़ा कि market काफी ज़्यादा confused है परेशान है उसे पता नहीं है कि वो इस devastating situation में तबाहकुन ये जो सूरत हाल एक बनी हुई है इसमें वो क्या करे क्योंकि वो शहर से आई है ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है गांव देहात का और इन वापस के आने का बहुत ज्यादा वो परेशान है. इतने में क्या होता है कि खेतों से ओल्ड स्टीफन जो फादर इन लॉ है मार्केट का वो आ जाता है और उसे आके बताता है कि वी आर फिनिश्ड कि हम तबाह हो गए बर्बाद हो गए तबाह हो गए खत्म कर दिए गए हैं. कहते हैं कि टिड्डियां सारे खेत खा गई कोई पत्ता या पत्ती बाकी नहीं बची. कहता है कि अर्ली आफ्टरनून है सपहर का आगाज है कभी तो शाम भी है फिर रात है ठीक है फिर पूरा टाइम है. वो कहते हैं कि तो बिल्कुल एकदम से ऐसे हो जाए कि जैसे यहाँ पे कभी फसलें थी ही नहीं किसी भी खेत पे कुछ नहीं था. उसके बाद वो कहते हैं कि बड़ा एक प्यास दिलाने वाला काम है एक मुशक्कत वाला काम है टिड्डियों को भगा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो चला जाता है. फिर मार्केट बाहर देखती है तो यूँ लगता है कि सारे ड्रग बड़े क्विल उसके बड़े अजीब और बड़े साफी नजर आते हैं कीड़ों से वो भरे हुए होते हैं और उनके बोझ से कीड़ों के बोझ से उनके वजन से दरख्तों की शाखें जमीन पर झुकी हुई होती है. मार्केट सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है. फिर हमने ये डिस्कस किया कैसे लग रहा था कि जमीन मूविंग पोजिशन में ठीक है हरकत कर रही है हालांकि उसके ऊपर कीड़े थे ना तो वो हरकत करे कैसे लग रहा था कि वो जमीन हरकत कर रही है पूरी जमीन को खेतों को कीड़ों ने कवर किया. फिर झाड़ियों में से किसी चीज के टूटने की बहुत तेज आवाज आती है तो वो एक दरख्त था ठीक है बल्कि ब्रांच थी शाख थी दरख्त की पहले वो टूटती है और फिर एक दरख्त है जो पेड़ से खड़ा हो रहा है पूरा दरख्त उनके बोझ से जो ढलवान की सूरत में छूटता है फिर जमीन पे आ जाता है और फिर कीड़ों की हेलिंग में उनकी बोछाड़ में एक आदमी खाता हुआ आता है. अब ये जब आदमी आता है इसके साथ क्या डिस्कशन होती है मार्केट की वो इससे क्या बात करती है वो भी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट से ना इस चैप्टर से रिलेटेड इस पैराग्राफ से रिलेटेड वो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं मैं वो रीड आउट करूँगा आप उसे सुने और लिखें फिर हम ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे जो रिमीनिंग है इस लेसन नंबर 10 की. तो जरा व्हाइट बोर्ड पर लिखेगा एम्फेटिकली का मतलब होता है जोर देते हुए कहना कुछ ठीक है टू से समथिंग फोर्सफुली और विगरेसली ठीक है विगरेसली फोर्सफुली जोर देते हुए कहना स्ट्रेस पैटर्न 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 खास करके स्पेशल सीक्वेंस ऑर्डर अरेंजमेंट. स्प्रिंग स्प्रिंग का मतलब होता है उगना बढ़ना उगना फ्लरिश रेस शूट इमिनेंट का मतलब सर पर मंडलाता हुआ यानी कि जो बहुत करीब इम्पेंडिंग एक्सपेक्टेड क्लोज टॉप ऑफ कुछ करीब हो जाएगा जो लगे. डिवोस्टेटेड डिवोस्टेटेड का मतलब तबाश डिस्ट्रॉयड रुइंड रैक्ट मैंडेड तहस नहस डिस्ट्रॉयड डैमेज अपीटाइट भूख लुत्फ मजा ठीक है टेस्ट हंगर रेलिश टेस्ट जॉय भी कुछ सिनोनिम्स हैं जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इन्हें लिखें ठीक है. फर्दर जो कुछ इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं मैंने वर्ड की भी आपको बता दूंगा रीडिंग करते हुए लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें वाइट बोर्ड पर लिखना जरूरी था आपने नोट कर लीजिएगा. अब आते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन की तरफ कि आदमी जब आता है तबाही से रिलेटेड क्या बातें होती हैं उसे राइस करेंगे हमें डिस्कस करेंगे पेज नंबर 3 और ये पैराग्राफ नंबर 5 के बाद एक लाइन है ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड सब फसलें तबाह हो गई नथिंग लेफ्ट कुछ बाकी नहीं बचा ही सेड उसने कहा
अभी आपने यहाँ पर रिचर्ड भी हो सकता है और स्टीफन, और स्टीफन का मतलब लास्ट टाइम डेफिनेटली आया था, ठीक है, वो तो जा चुका था, उसके बाद आई गेस रिचर्ड होगा या और स्टीफन होगा, ठीक है, कोई आपके और पर्सन हो सकता है। यहाँ पर ये डिस्कशन जो मार्केट के साथ कर रहे हैं उसमें यहाँ पे पर्सन का नाम डिस्कस नहीं किया गया। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग, गॉन्ग्स घंटियां स्टिल बीटिंग अभी तक बज रही है, लेकिन घंटियां अभी तक बज रही है। The men still shouting, आदमी अभी तक चिल्ला रहे हैं। And Margaret asked, और Margaret ने पूछा, Why do you go on with it then? कि फिर आप ये सब कुछ जारी क्यों रखे हुए हैं? ये जब आप कह रहे हैं कि टिड्डियां भी बज रही हैं, धुआं भी पैदा हो रहा है, आग भी जला रहे हैं, टिड्डियां फिर भी आ रही हैं, दबाव भी हो रहे हैं, Margaret ने कहा, फिर आप ये सब कुछ जारी क्यों रखे हुए हैं? The main song isn't settling, कि बड़ा लश्कर Thank you.
विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की खास तरतीब, बिजी भिन्न बना रही है, दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, उधर उधर, दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, कम इधर और उधर उधर, ठीक है, कि कीड़ों की खास तरतीब इधर उधर भिन्न बना रही है. इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज का
that question will be discussed in our next lecture of lesson number 10, Mind Attack of Locust. जो अभी तक पढ़ा है, first lecture से आज fourth lecture है, essentially से read out कीजिएगा.